हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना लोकेशन अगर किसी के पास शेयर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, जो कि आपको यह तरीका जो है कि मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताने वाला हूं, जिसमें आप अपना अगर लोकेशन यानी कि लाइव लोकेशन किसी के पास शेयर करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपको मैं अपना चैनल टेक टिप्स तक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जा करके क्लिक करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपना लाइव लोकेशन किसी दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं पर फंस जाते हैं और अपना लोकेशन अगर किसी को देना चाहते हैं तो आप कैसे दे सकते हैं। जैसे कि अपने घर वालों को ही अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं और अपना लोकेशन देना चाहते हैं तो कैसे अपना लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं यह आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको जिसके पास भी लोकेशन शेयर करना है उनका चैट को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चैट को ओपन कर लिया है, अब मैं इस नंबर पर अपना लोकेशन भेजूँगा और उनको पता चल जाएगा कि मैं अभी किस जगह पर हूँ। ये मेरे लोकेशन के जरिए इसमें आपको लाइव लोकेशन देखने को मिल जाता है। ये नहीं है कि आप किस स्टेट में है, कौन से अभी मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे देखने को नहीं मिलता है। आप जिस पॉइंट पे अभी होंगे उसी पॉइंट का लोकेशन आपका आपके दोस्त के पास जाएगा। तो इसके लिए क्या कहना है कि आपको यहाँ पे आपको व्हाट्सएप में एक अटैचमेंट का एक आपको आइकन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है लोकेशन, लोकेशन पर आपको क्या कहना है कि क्लिक कर लेना है। लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको ऊपर में हेडलाइन में भी देखने को मिल जाता है सेंड लोकेशन, और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है शेयर लाइव लोकेशन। इसमें बहुत सारे आपको इसमें आप कितने देर तक के लिए अपना लोकेशन को शेयर करना चाहते हैं यह भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं अपना लोकेशन दोस्तों शेयर नहीं करूँगा, कि यह जहाँ तक सही रहेगा कि मैं अपना लोकेशन शेयर ना करूँ। तो यहाँ पर मैं अपना लोकेशन को छिपा रहा हूँ, मैं अपना लोकेशन यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। तो मैं आपको इसके जरिए बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना लोकेशन को शेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहां पे सेंड योर करंट लोकेशन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका लोकेशन यहां पे चला गया आपके दोस्त के पास, और उसको पता चल जाएगा कि आप कौन से अभी जगह पे हैं। उसको पता चल जाएगा कि आप कौन से जगह पे हैं और वह आपके पास आ सकता है अगर वो आना चाहे तो। उसमें मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी के पास लोकेशन भेजना चाहते हैं तो उसमें टाइम लिमिट रहता है कि आप कितने देर तक के लिए अपना लोकेशन उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अपना लोकेशन शेयर कर दिया, लेकिन यह गलत है, ऐसा लोकेशन शेयर नहीं करना चाहिए था मुझे। तो आपको मैं फिर से एक बार और बताता हूँ कि आपको सही तरीका क्या है, कैसे लोकेशन शेयर करना था। तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि आप कैसे लोकेशन को शेयर करेंगे, लेकिन सही तरीका क्या है लोकेशन शेयर करने का मैं आपको बताता हूँ। आपको फिर से अटैचमेंट आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद लोकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ शेयर लाइव लोकेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप लाइव शेयर लोकेशन कितने समय के लिए आप शेयर करना चाहते हैं, जिसके पास अपना लाइव लोकेशन भेजना चाहते हैं। यहाँ आपको टाइम लिमिट फिक्स कर लेना है जितने समय के लिए आप उनको अपना लोकेशन दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे आप कमेंट में कुछ भी टाइप करना चाहते हैं कि किस विषय में आप लोकेशन भेजना चाहते हैं और क्या मतलब कारण है कि आप लोकेशन भेज रहे हैं। आप यहाँ पे टाइप करके ऐसे करके भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आपके लोकेशन को फॉलो करेगा वो सिर्फ एक घंटे के लिए ही लोकेशन को फॉलो कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक घंटे के लिए ही लोकेशन भेजा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने पहले लोकेशन भेजा ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, जो कि मैं इसका मुझे भी पता नहीं है कि ये कितने टाइम तक लोकेशन रहेगा। तो इसको ना फॉलो करके आप इस ट्री को फॉलो करें कि आप कितने समय के लिए लोकेशन को भेज रहे हैं, आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर में अभी टाइम हो रहा है 10:58, लेकिन यहाँ पे लाइव जो ऑनटिल है यह 11:57 पर ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 11:57 पर ये जिनको मैंने लोकेशन भेजा है वो मेरा लोकेशन को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि मेरे पीछे वो नहीं आ सकते हैं, मैं किस जगह पर हूँ वो मेरे लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीका बताया लोकेशन भेजने का, जिसमें आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब भी आपको लोकेशन भेजना हो तो आपको लोकेशन पे क्लिक करके आपको शेयर योर करंट लोकेशन
ना करके आपको शेयर लाइव लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लिमिट के साथ अपना लोकेशन किसी के साथ शेयर करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत की सामना ना करना पड़े। बस यही एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।